अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है अमर और आप लोग दिख रहे हैं मेरा और आपका चैनल डाइस बर्ड्स। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को अर्जेंट प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने लव बर्ड के अंडे अरेंज कर लिए और मैं ले भी आया हूँ। अभी सुबह का टाइम है, मैं रात के टाइम अंडे लेकर आया था लेकिन मैंने अभी फोस्टर नहीं किया। मैं कहा आप लोगों के साथ वीडियो लाजमी शेयर करनी है और फिर आप लोगों को दिखाना भी है वो अंडे। तो इस बार हमें मिले हैं जी ग्रीन फिशर के अंडे। पिछली बार हमें मिले थे कॉमन लटीनो रेड आइस के अंडे और अब इस दफ़ा हमें ग्रीन फिशर के अंडे मिले हैं। तकरीबन 6 अंडे हैं और हमारे पास 2 पेयर थे जो कि जिसके नीचे फोस्टर करने थे। एक पेयर तो अभी अंडों पे बैठा हुआ है, जो दूसरा पेयर है वो अंडों से उठ गया क्योंकि उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया लेकिन वो अंडे ख़राब थे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक पेयर के नीचे तो रखेंगे अंडे, दूसरे पेयर जैसे ही कोई ब्रीड करता है तो उसके नीचे अंडे रख देते हैं। और अगर अंडे पड़े पड़े ख़राब भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं, हम लोगों के पास अंडे और अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे अंडे अभी उसके पास और भी पड़े हुए। उन्होंने कहा था कि अगर आपको चाहिए होंगे बाद में तो आप ले जाना। अभी फ़िलहाल हम लोग सेटअप में चलते हैं, आप लोगों को अंडे भी दिखाते हैं कि ग्रीन फिशर के अंडे कितने हैं और कौन से पेड़ के नीचे रखने हैं। तो चलते हैं जी सेटअप में और उससे पहले आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग सेटअप के अंदर आ चुके हैं। तो ये वाले पेयर हैं जो कि मैं आपको कह रहा था, इनमें से जो ये पेयर है ये अंडों से उठ गया है। इसके पास वैसे 6 अंडे थे और ये पेयर से उठ गया, अब इसके नीचे अंडे नहीं रख सकते हम लोग। बाकी जो ये पेयर है ऊपर वाला, आप लोग ये देखें, ये इसकी फीमेल अभी बैठी हुई है तो इसके नीचे हम लोग अंडे रख सकते हैं। तो बाकी हम लोगों ने क्या करना है कि इस पेयर को यहाँ से निकाल भी लेंगे और इस पेयर को ना यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा इसके लिए। और बाकी जो है कि ये वाला जो हमने पेयर डाला था, इस पेयर को निकाल के तो उधर डाल देंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी अंडे दे देंगे। मेरा ख्याल है मैक्सिमम एक हफ्ता इनको लगेगा तो ये अंडे दे देंगे। जैसे ही अंडे देंगे इनके नीचे हम लोग लव बर्ड के अंडे फोस्टर कर देंगे। और बाकी एक पेयर इसके अंदर भी है जो कि हमारा किंग साइज़ का पेयर था, तो उसको भी हम लोगों ने निकाल के तो यहाँ पे लगा देंगे ताकि वो भी अंडे दे और उसके नीचे भी हम लोग फोस्टर करें, जिसके नीचे मैंने लास्ट टाइम अंडे किए थे फोस्टर यहाँ पे कॉमन लटीनो के, जिसमें से चिक भी हैच हुआ था और वो चिक है यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा हो गया। तो उसको मैं हैंड फीडिंग देख रहा हूँ कि मुझे मिल जाए, तो फिर जैसे मिल गया तो मैं उसको ला के तो हैंड फीड करवा। अभी फ़िलहाल ये पेयर करवा रहा है फीड उसको, लेकिन यह कि थोड़ी कम करवा रहा है लेकिन करवा रहा है, बच्चा सर्वाइव कर रहा है इस टाइम। और बाकी ये है कि इसके अंदर अभी बच्चा वो तो है, तो साथ इसके साथ 2 ऑस्ट्रेलियन के बच्चे भी हैं इसके, तो उसकी वजह से वो उसको भी फीड करवा देती है। तो ये है जी इसके अंडे, मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मैं रात को लेकर आया था। तो ये है जी, ये है जी ग्रीन फिशर के अंडे। ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा है ऑस्ट्रेलियन की निस्बत, लेकिन यह है कि इनक्यूबेट कर लेंगे इसको। हम लोग 3 अंडे रखेंगे सिर्फ एक पेयर के नीचे, क्योंकि ज़्यादा नहीं रख सकते इसके नीचे। मैंने लास्ट टाइम रखे थे जी इस पेयर के, ये जो यहाँ पे पेड़ रखा था हम लोगों ने यहाँ से निकाल के, तो उसके अंदर मैंने 5 अंडे रखे थे जिसमें से 4 अंडे फर्टाइल हुए थे। तो 4 में से भी एक अपने दोस्त को दे दिया था मैंने और उसी से आज मैं ये अंडे लेकर आया हूँ जिसको मैंने दिया था 1 अंडा। और बाकी 3 अंडे जो हैं वो उसके ने इंक्यूबेट किए थे, जिसमें से एक ही बचा, बाकी 2 डेढ़ इंच हल हो गए थे। तो अभी जी इनको रखते हैं इसके अंदर और ये जो चेंजिंग करनी है ये भी करते हैं। और साथ ही साथ फिंचेस का काफ़ी भाई कह रहे थे कि हमें प्रोग्रेस की वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह इससे अगली जो वीडियो आएगी वो प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि आज की वीडियो मैंने बनाई थी बस ये एग आ गए हैं इसके अंदर, तो इसलिए मैं कहा चलें आज इसकी बना लेते हैं। और काफ़ी भाई कह रहे थे कि आप ये जो फीमेल का केज है इसको यहाँ से उठा के तो नीचे रख दें, इसका फ्रेम ख़राब होता है आपका। तो ये लें भाई यहाँ पे आ गया, आपकी मान ली हम लोगों ने, तो इसको हम लोगों ने अभी नीचे रख दिया। तो जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तब इसको लटका भी देंगे। अभी जी इसकी मटकी उतारते हैं, इसके अंदर जो अंडे हैं इसको भी देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर फर्टिलिटी आई, अगर नहीं आई तो हम लोग चेंज कर लेते हैं और बाकी इनकी चेंजिंग भी करते हैं। तो 200 अंडे हम लोगों ने निकाल दिए, अंडे सारे ख़राब हो चुके हैं। ये देखें इसको तो डेंट पड़ चुका है इस अंडे को, ठीक है, और ये अंडा वैसे ही ख़राब है और ये अंडा भी ख़राब है। और अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, मैंने देखें आप लोग थोड़ी सी नेस्टिंग डाल दी है इसके अंदर, ये नेस्टिंग या वो कचरा डाला है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 3 अंडे हैं यहाँ से इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने 3 अंडे इसके अंदर रख दिए हैं और बाकी 3 के बजाय भी 4 रख देते हैं
अंडे हमारे पास बाद में और भी आ जाएंगे, इसका कोई इशू नहीं है। 4 अंडे हम लोग इसके अंदर रख देते हैं और बाकी अब इसकी मटकी लगाते हैं। और ये 2 अंडे हमारे पास अब रह चुके हैं और इनको भी उम्मीद करते हैं कि जो जल्दी जो भी पेयर ब्रीड करता है तो हम लोग उसके नीचे रख देंगे अंडे। अगर ये एग्जीबिशन जो हमारे यहाँ ये अगर ब्रीड करते तो इनके नीचे ये कोई इशू नहीं था होना, क्योंकि ये अंडे थोड़े से बड़े ही होते हैं एग्जीबिशन के, थोड़े थोड़े से बड़े होते हैं। तो बाकी ये भी कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये भी इसको इनक्यूबेट करेंगे। तो अब मैं इनकी मटकी लगा देता हूँ, फिर आगे मिलते हैं। दोस्तों आप लोग देखें तो मेल यहाँ पे और फीमेल उसी टाइम ही अंदर चली गई है और ये देखें एग्स के ऊपर बैठ भी गई है। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि ये अच्छे से इनको इनक्यूबेट करें, मिड में इसको छोड़ ना दे। तो बाकी ये है कि हम लोग दूसरे पेयर की मटकीज़ भी लगा देते हैं ताकि उनको भी ब्रीड करें, अगर ये छोड़ देती है बीच में तो वो इनक्यूबेट कर लें उसको अंदर। तो अब इस पेयर का जी काम करते हैं। फाइनली दोस्तों ये भी पकड़ लिया पेयर और ये फीमेल डाल दिया, मेल रह गया था। तो मैं कहा इसको भी डाल देते हैं, आपको दिखाते भी हैं। ये ग्लव्स इसलिए पहना है कि आजकल ऐसे ठंड है और ये काटते तो हैं लेकिन गर्मियों में इतना पता नहीं लगता, सर्दियों में आपको पता है कि ज़रा सी भी चोट लग जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो ये दोस्तों इसको हम लोगों ने अंदर डाल दिया। बाकी आप लोग क्या अब क्या करना है कि हम लोगों ने उस जो केज खाली हुआ उसके अंदर हम लोग किंग साइज़ का पेड़ डालते हैं और उसको भी मटकी लगा देते हैं। इस मटकी के अंदर से ये जी 5 अंडे निकले हैं और ये सारे ख़राब अंडे हैं। और अभी जैसे ही उम्मीद तो है कि तकरीबन इसने एक हफ्ते के अंदर अंदर इसने अंडे दे देगी। तो जैसे ही अंडे देगी तो मैं कुछ और अंडे भी ले आऊँगा और बाकी ये भी होगा। तो इसके नीचे भी अंडे रखेंगे लव बर्ड के, और जो हमारा किंग साइज़ का पेड़ होगा उसके नीचे देखेंगे क्या उसी के अंडे रखने हैं या उसके नीचे भी किंग साइज़ उसके लव बर्ड के अंडे रखने हैं। तो जैसे ही जो सिचुएशन होगी वो भी मैं आपको साथ बताऊंगा। तो अभी भी हम लोग वो वाला वहाँ पे भी एक पेड़ डालते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कौन सा पेड़ है। तो दोस्तों ये वाला पेयर हम लोगों ने पकड़ लिया जो कि हमारा पहले भी लास्ट टाइम इंक्यूबेट कर चुका है। तो माशाल्लाह से फीमेल भी अब ठीक है, मेल भी ठीक है और बिल्कुल A1 है, इस टाइम ब्रीड के काबिल हो गए हैं। जो कि वो फीमेल थी जो कि मैंने आपको बताया था कि ये फीमेल चर्बी हो गई है जिसको येलो वाली, वो भी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मैंने देखी है उसकी, उसको भी कोई चर्बी वगैरह नहीं है। तो अब जी माशाल्लाह इसको पेयर को यहाँ पर डालते हैं, मटकी मैंने डाल दी है। वो वाला पेयर भी वहाँ पर देखें आप लोगों ने लगा दिया। ये जो ये फीमेल आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मेरे हाथ के अंदर है, ये इसी की बेटी है आगे से ये वाली, और ये देखें बिल्कुल सेम टू सेम है लेकिन वो सिंगल राउंड क्रस्ट में है, ये डबल राउंड क्रस्ट के अंदर है। तो ये मेल है साथ इसके। तो अब इसको मेल को पहले छोड़ते हैं, इस पहले फीमेल को छोड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह फीमेल आ गई जी, अब ये मेल आया जी, मेल को भी छोड़ देते हैं। तो ये मेल भी चला गया। तो दोस्तों अब इसके लिए जो मटकी मैंने लगाई है वो मैंने लव बर्ड की जो मटकी होती है वो मैंने लगाई है ताकि ये अच्छे से अच्छे इधर ब्रीड कर सके। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह ये भी वो जल्दी अंडे दे देगी, उम्मीद तो है क्योंकि ये पहले पेड़ लगा हुआ है और वो वाला पेड़ भी लगा हुआ है। तकरीबन इनको मैक्सिमम एक हफ्ता लगेगा ये अंडे इधर आ जाएंगे, और जैसे इनके अंडे आएंगे तो मैं और लव बर्ड्स के अंडे लेकर आऊँगा और वो भी मैं इधर रखूँगा। जैसा कि आपको मैंने देखा मैंने यहाँ पर रखे हैं 4 अंडे और 2 अंडे मेरे पास रह गए, और जो हम लोगों ने पहले लिए थे कॉमन लेटिनों के जो कि यहाँ पे एक बच्चा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उस बच्चे जिससे भाई से मैंने वो एग लिए थे उसके पास भी एग आने ही वाले हैं, वो कह रहा था कि आएंगे तो मैं आपको वो भी दूंगा। तो जब वो आ जाएंगे तो कुछ अंडे वो भी ले आएंगे और कुछ अंडे ग्रीन टीचर के लेकर आएंगे और दोनों को मिक्स करके तो बच्चे निकल आएंगे। तो अब मैं आपको जी अपना वो कॉमन लेटिनो लव बर्ड जो है उसका बच्चा दिखा देता हूँ कि उसका क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो दोस्तों आप लोग देखें तो ये जो मेल फीमेल है काफ़ी अच्छा बच्चा माशाल्लाह पाल रहे हैं। ये देखें ये आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा होगा, ये कैमरे में हो सकता है आपको थोड़ा छोटा नज़र आ रहा हो लेकिन इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया होगा। और बाकी जो इसके अपने ऑस्ट्रेलियन हैं वो तो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं बड़े, क्योंकि उनका उनके पेरेंट्स हैं वो उनको अच्छा खिला रहे हैं। और मैं आज या कल आज ही कोशिश करूँगा कि हैंड फीड ले आऊँ
दरअसल ये बच्चा छोटा था, इसकी वजह से मैं ये रिस्क नहीं था ले रहा कि इसको हैंड फीड करवाई जाए, क्योंकि मैंने जो जितने भी बच्चों को हैंड फीड करवाई है वो तकरीबन 10 दिन के होते हैं। ऑस्ट्रेलियन के बच्चे को भी मैंने करवाई हुई है, और मैंने कॉकटेल के बच्चे को भी करवाई हुई है, मैंने लव बर्ड के बच्चे को भी करवाई हुई है, लेकिन वो 10 दिन का बच्चा होता था, 10 से 15 दिन का बच्चा होता था, उसको हल्की हल्की पिन फिदर आनी शुरू हो जाती थी, और उसको दरअसल आसान है करवाना हैंड फीडिंग। और बाकी इसको भी मैंने, मेरा दोस्त कह रहा था कि आप इसको ना चम्मच जो होता है ना, स्पून जो सा था, वो इसका स्पेशल स्पून होता है, उससे आपने इसको फीड करवानी है। तो मैं ट्राई करूँगा कि अगर मेरे से फीड होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसी को, इसके नीचे ही रहने पर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर इसको फीड पे ले आएंगे। बाकी दोस्तों काफ़ी सारे भाई कह रहे थे कि आपने फिंच की वीडियो लाजमी देनी है, फिंच की वीडियो लाजमी देनी है। तो दोस्तों फिंच की वीडियो मैं आज बनानी थी, लेकिन मैं अब कल बनाऊंगा फिंच की वीडियो। और बाकी ये है कि इसमें से जो मैंने देखा है वो जो ये आपको ये मटकी नज़र आ रही है ये वाली, इसके अंदर अंडे थे, इसके अंदर अंडे थे तब मैंने देखे थे, तो तकरीबन 3 या 4 थे, तकरीबन 3 से 4 दिन पहले। और अब उम्मीद है कि इसके अंदर और भी अंडे आए होंगे। और बाकी है कि इसके फुल लास्ट के अंदर जो है वो एक मटकी है, उसके अंदर भी मुझे उम्मीद है कि उसके अंदर अंडे होंगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा नेस्ट बना हुआ है और उसके अंदर फीमेल भी बैठी होती है, मेल भी जाता है उसके अंदर, और उम्मीद है कि उसमें से बच्चे निकलेंगे। जो ये जो मैंने आपको मटकी दिखाई है उसके अंदर जो पेड़ लगा वो क्रस्ट का जो मेल लगाया था, मेल थे हमारे पास वो लगा, और दुआ कीजिएगा उसमें से क्रस्ट के अच्छे अच्छे क्रस्ट के बच्चे निकल आए। बाकी ये है कि जो ये वाले पेड़ हैं, ये वाले, इसके अंदर भी डबल राउंड क्रस्ट का एक बच्चा है, और इनमें भी, इनमें अभी पता नहीं लगा मुझे, मैंने ना मैंने इतना देखा गौर किया। और बाकी जो हमारे कॉकटेल के बच्चे, आज फिर कॉकटेल के बच्चा रात के टाइम बाहर था, जिस टाइम मैं अंडे रखने आया था, तो अब भी माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा हो गया, कुछ ही दिनों में इसने बाहर आ जाना है, और कुछ ही क्या हो सकता है आजकल में ही आ जाइए बाहर। और ये देखें माशाल्लाह दोस्तों काफ़ी बड़ा हो गया। और जो हमारे पास ये नीचे आपको फीमेल नज़र आ रही है, तो इसके साइज़ का ये बच्चा है, क्योंकि ये मदर फीड के पड़ा है, इसलिए इसको अच्छी केयर हुई है इसकी। ये देखें पर वगैरह भी काफ़ी बड़े हैं इसके, और इसको अंदर डाल देते हैं। और जो दूसरे हैं दोस्तों वो भी इतना फ़र्क नहीं है, आप लोग देख सकते हैं उसके अंदर, तो ये देखें ये भी कुछ ही टाइम रह गया इनका। और बाकी जो हमारे एग्जीबिशन रह गए, एग्जीबिशन यार फीमेल जा तो रही है मटकी के अंदर, लेकिन मुझे इतना अच्छा इससे मिल नहीं रहा रिटर्न कोई भी, कि ये कुछ करेंगे आगे। अगर आप लोगों ने किसी ने एग्जीबिशन रखी है, आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा कि किस तरह इनकी ब्रीड ली जाती है, क्योंकि मैंने तो ट्राई कर लिया अपनी तरफ से सब कुछ, बस अब ब्रीडिंग फार्मूले ही रह गए हैं जो कि ट्राई करने वाले रह गए हैं। तो ब्रीडिंग फार्मूला दोस्तों आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो अच्छे नहीं होते। बर्ड जो है एक दफ़ा या दो दफ़ा ब्रीड कर जाएगा, उसके बाद जो है बर्ड के अंदर कमज़ोरियाँ आ जाती है, उसके अंदर डिफरेंट बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि बर्ड भी ज़ाया होने के चांसेज़ होते हैं हमारे। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये इसी चीज़ के ऊपर, नेचुरल डाइट के ऊपर ही ब्रीड कर दिए। मैं सॉफ्ट फूड तो इसको डेली दे रहा हूँ, और बाकी इसको मैंने पालक भी दी थी कल, और इसको मैं बाकी विटामिन कैल्शियम पी जो है वो भी यूज़ करवा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ पता है तो मुझे लाजमी लाजमी इसके बारे में बताइएगा, ताकि मेरी भी रहनुमाई हो सके। और मैं चाह रहा हूँ कि ये पेड़ ब्रीड कर जाए, अगर ये ब्रीड नहीं करेगा तो हमें मजबूरन इस पेड़ को सेल करना पड़ेगा, और फिर हम लोगों ने इसकी जगह कुछ और रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई टॉपिक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम मेरा डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप लोग मुझे उधर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपके साथ कल किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।